सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्प रास्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्प रास्ता के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा और दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है अपने घर पे टावर लगवा सकते हैं। आपके पास अगर कोई ज़मीन पड़ी है जो फालतू में पड़ी है, नहीं यूज हो रहा है, तो आप उसमें आसानी से कैसे अपने ज़मीन पर टावर लगवा सकते हैं यह दोस्तों, और उसका अच्छा खासा आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए जो है आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है अभी जब से जियो आया है तब से सभी कंपनियाँ अपनी अपनी जो है नेटवर्क पावरफुल बनाने के चक्कर में हैं। कोई कंपनी ये नहीं चाहती है कि हमारी नेटवर्क जो है किसी कंपनी से कमज़ोर हो, और वो अपना नेटवर्क हर जगह फैलाना चाहते हैं। मतलब कोई भी गांव हो, हर जगह अपना वो नेटवर्क देना चाहते हैं, जहाँ पे हर जगह नेटवर्क रहे और उनके यूजर सबसे ज़्यादा हो और हाई में नेटवर्क अपना देना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो है सभी कंपनियां क्या है, एक दूसरे को पीछे करने के लिए अपना जब नेटवर्क बढ़ा रही हैं तो उसके लिए क्या है उन लोगों को टावर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या है, आप अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो आप वहां पे कैसे टावर लगवा सकते हैं, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कंपनियां जो है टावर खुद नहीं लगाती हैं, ये आपसे खुद नहीं कॉन्टेक्ट करती हैं, ये किसी दूसरी कंपनी को कॉन्टेक्ट करती हैं जो कि टावर लगाने का काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको उसी कुछ कंपनियों के नाम बताने वाला हूँ जिससे कि वो आप वहाँ पे टावर लगवा सकते हैं, और ये सभी कंपनियों का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं जो कंपनी बताने वाला हूँ इंडस टावर, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इंडस टावर की वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो भी ब्रांच है आप वो ब्रांच पे कांटेक्ट कर लीजिए, और चाहे तो आप यहाँ से भी अगर कांटेक्ट करेंगे तो ये अपने ब्रांच के लिए ही बोलेंगे, इनके ब्रांच पे ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से ब्रांच हैं इनके, लगभग हर एक स्टेट में आपको इनके ब्रांच मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप जो है वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए इनको। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मतलब यूपी, ईस्ट वेस्ट, केरला, मतलब हर जगह इनके ब्रांच आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो भी ब्रांच नज़दीक हो वहाँ पे आप जो है गुजरात में जैसे हैं, जहाँ पे जो भी हैं वो जो स्टेट में आप हैं वो ब्रांच से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनका। देख लीजिए टेलीफोन नंबर वगैरह भी दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है, तो इस हिसाब से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात यहाँ पर, चलिए मैं आपको दूसरा कंपनी के बारे में बता देता हूँ, ATC इंडिया, आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ATC इंडिया जो है ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग सभी अच्छी खासी कंपनियां हैं आपको जो है। तो यहां पर देख सकते हैं लोकेशन जो है कॉर्पोरेशन ऑफिस नई दिल्ली है, यहां पर आप देख सकते हैं इनका टेलीफोन नंबर है, ये एड्रेस है, आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर यहां पर देखिए स्टेट का जो ब्रांच है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए मुंबई, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, गुजरात, मतलब जो भी आपका स्टेट है वो गुड़गांव, वहाँ से आप इन्हें वहाँ पर आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए और इन्हें जो भी हो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और ये आपको सारा प्रोसेस बता देंगे कितना क्या लगेगा कितना क्या नहीं, वैसे तो आप इसे क्लियर कर लीजिए, ये आपके यहाँ आएंगे देखेंगे फिर उसके बाद ये आपको बताएंगे। और चलिए मैं आपको तीसरे कंपनी के बारे में बता देता हूँ, और तीसरा कंपनी है देखिए भारती इंफ्राटेल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर आप इनसे इंक्वायरी कर लीजिए। यहाँ पर इनका फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। सब स्टेट पे जो ब्रांच है वहाँ का नंबर आपको मिल जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वेस्ट, उत्तर प्रदेश ईस्ट, बिहार एंड झारखंड, MP एंड छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा, मतलब सभी स्टेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कंपनियाँ हैं, चलिए मैं और भी आपको कंपनियाँ के बारे में बता देता हूँ। और अगला कंपनी जो है देख सकते हैं GTL जी दोस्तों, इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी जो है ग्लोबल ग्रुप इंटरप्राइज GTL, तो दोस्तों इनसे जो है आप कांटेक्ट कर लीजिए। ये भी नेटवर्क लगाने का काम करते हैं, ये भी टावर लगाते हैं, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी सारा डिटेल्स है, यहाँ पर हेड ऑफिस, यहाँ पर अपना नाम वगैरह सबमिट कर सकते हैं और फिर ये आपको कॉल बैक कर लेंगे। और नहीं तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका सारा इस ऑफिस का जो है, कहाँ पे इनका ऑफिस है वो आप देख सकते हैं। हर जगह इनका भी ऑफिस मिल जाएगा सभी स्टेट में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दो पर क्लिक करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है, आप देख सकते हैं लखनऊ में, यहाँ पर आपको सभी स्टेट में आपको मिल जाएगा। ये जो है गुजरात में, अहमदाबाद में है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप ये आपको बता देंगे, आएंगे आपका, देखेंगे ज़मीन कैसा है, मतलब वहाँ पे नेटवर्क कैसा है कैसा नहीं, वो आपको देखेंगे। फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों उसी नेटवर्क के लिए आप बोलें जो नेटवर्क आपके एरिया में बहुत ही कम हो, जो नेटवर्क आपके एरिया में नहीं मिलता हो, तो आपका निश्चित है हो ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। तो ये आएंगे, पहले आपका वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद ये आपको बताएंगे जैसा होगा। लोकेशन वेरीफाई करने के बाद आपको ये बता देंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।